कांग्रेस के विधायक जीएस बाली की रोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान सोलन में कांग्रेस और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। बाली करीब 300 लोगों के काफिले के साथ माल रोड पहुंचे तो आईटीआई गेट पर युवा मोर्चा के करीब 3 दर्जन कार्यकर्ताओं ने हाथ में काले झंडे दिखाकर बाली गो बैक के नारे लगाए। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें खदेड़ दिया। पहुंचे पदयात्रा पर बड़ी संख्या में लोगों को जमा कर बाली ने ताकत का एहसास करवाया। बाली की पदयात्रा में अधिकतर संख्या सोलन से बाहर के कार्यकर्ताओं की रही। भाजयुमो कार्यकर्ता पहले से ही माल रोड पर आईटीआई गेट के पास खड़े थे। जैसे ही बाली का काफिला वहां पहुंचा, युवा मोर्चा कार्यकर्ता विरोध के काले झंडे लेकर नारेबाजी करने लगे। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान खूब लात घूंसे चले और पुलिस ने भी बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया। पदयात्रा के दौरान भी कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिली। अधिकतर स्थानीय नेता प्रदर्शन से दूर रहे। कुछ स्थानीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यात्रा में शामिल हुए। विधायक जीएस बाली ने कहा कि यह यात्रा प्रदेश के बेरोजगार के लिए रोजगार के अवसर दिलाने का उद्देश्य से की जा रही है, जिसके बारे में पुलिस और प्रशासन को अवगत कराया गया था, परंतु कुछ शरारती तत्वों ने इस यात्रा में विघटन डालने की कोशिश की। इसलिए सरकार को चाहिए कि उन व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ मामला दर्ज करे। आपके सामने ये कुछ शरारती तत्वों ने हमारा पीसफुल प्रोसेशन, जिसके लिए सरकार को प्रशासन को बहुत पहले से अवगत कराया हुआ था, पुलिस अधिकारी मेरे संपर्क में थे कि कितने बजे पहुंच रहे हैं, कब पहुंच रहे हैं, मगर कुछ शरारती तत्वों ने हमारे नौजवानों को उकसाने का प्रयास किया व उन पर हमला किया। मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले प्रशासन उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करे और उनके ऊपर FIR दर्ज करके सरकार अपनी कार्रवाई जो है वो करे। ये उस मंत्री के लिए भी शर्मनाक बात है जो इस एरिए को रिप्रेजेंट करते हैं। बाली के समर्थकों ने इस बारे में कहा कि हिमाचल में बेरोजगार युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए जीएस बाली के द्वारा रोजगार रैली निकाली जा रही थी, परंतु भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रैली को रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने अपने तेवर तलक करते हुए कहा कि अब यह यात्रा किसी के रोके से रुकने वाली नहीं है और इस तरह के कदम अगर कोई उठाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज का जो घटना घटी है, जो कुछ कार्यकर्ताओं ने जो काले झंडे दिखाए, वो बीजेपी सरकार अपनी नाकामी से विवश होकर ये चीज़ें कर रही है, जो हमारे को उस पार्टी को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। 20 मार्च 2012 को शिमला में प्रिंस गोस्वामी नामक एक युवक ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। उसके पश्चात इन्होंने ये फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में अगर आज युवा वर्ग क्यों भटकाव की ओर चला गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, उसका एक जो मूल जड़ निकली है वो निकली बेरोजगारी। उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक सफल प्रयास किया है, जो इनको लगा उसके लिए जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं का इनको जो समर्थन मिल रहा है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि आज आपने देखा होगा माल रोड पे कितना हजूम बाली जी के नेतृत्व में युवाओं का था, और उसमें 10-15 युवा मोर्चा और AVP के लड़कों ने विघटन डालने की कोशिश की थी। और ये जो राजनीतिक हस्तक्षेप है और जिससे जो स्वास्थ्य मंत्री है जो अपना संतुलन खो बैठे और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो कतई भी जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है अपने नेताओं के साथ और युवाओं के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस जीएस बाली प्रदेश में घूमकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के दौरान केवल 3386 नौकरियां ही दी गई है, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार के समय में अब तक 70,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। हिमाचल की जनता अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है और कांग्रेस नेता हिमाचल की जनता को गुमराह कर भाजपा के मिशन को कामयाब होने से नहीं रोक सकते। बाली जो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश को, इसके विरोध में हम काले झंडे दिखाए गए हैं उनको, और अगर बाली जहाँ जहाँ हिमाचल में जाएंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा उनको काले झंडों के साथ स्वागत के लिए खड़ा मिलेगा। जो बाली जी की यात्रा है काफ़ी समय से जो चल रही है युवाओं को रोजगार के लिए, मैं बाली जी से पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस टाइम में इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, जो आज ये इलेक्शन ईयर में ये जो ड्रामा ये रच रहे हैं, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं,
इसका सोलन मंडल जो युवा मोर्चा है वो पूरी तरह इसका बहिष्कार करता है। इसी के अवसर पर हम उनका आज जो काले झंडे हमने उनको दिखाए हैं, ये पूरे युवा मोर्चा जितने भी मंडल्स हैं, जितने हमारे प्रदेश की टीम है, वो सारी जगह इनका विरोध करेगी और इस विरोध को जारी रखेगी।